इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 12। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 12। परंतु जब रहुबियाम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इसराइल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रहुबियाम के पांचवें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की, और जो लोग उसके संग मिस्र से आए, अर्थात लूबी, सुक्की, कूशी, ये अनगिनत थे, और उसने यहूदा के गढ़वाले नगरों को ले लिया और यरूशलेम तक आया। तब शमायाह नबी रहुबियाम और यहूदा के हाकिमों के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यो कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। तब इसराइल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहने लगे, यहोवा धर्मी है। जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का यह वचन शमायाह के पास पहुंचा कि वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट न करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा, और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर न भड़केगी, तो भी वे उसके अधीन तो रहेंगे, ताकि वे मेरी और देश देश के राजाओं की भी सेवा जान ले। तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले गया। वह सब कुछ उठा ले गया, और सोने की जो फर्शियां सुलेमान ने बनाई थी, उनको भी वह ले गया। तब राजा रहुबियाम ने उनके बदले पीतल की ढाले बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता, तब तब पहरुए आकर उन्हें उठा ले चलते और फिर पहरुओं की कोठरी में लौटाकर रख देते थे। जब रहुबियाम दीन हुआ, तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया और उसने उसका पूरा विनाश न किया, और यहूदा में अच्छे गुण भी थे। सो राजा रहुबियाम यरूशलेम में दृढ़ होकर राज्य करता रहा। जब रहुबियाम राज्य करने लगा, तब 41 वर्ष की आयु का था, और यरूशलेम में, अर्थात उस नगर में जिसे यहोवा ने अपना नाम बनाए रखने के लिए इस्राएल के सारे गोत्र में से चुन लिया था, 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नामा था, जो अम्मोनी स्त्री थी। उसने वह कर्म किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में न लगाया। आदि से अंत तक रहुबियाम के काम क्या शमायाह नबी और इद्दोदर्शी की पुस्तकों में वंशावलियों की रीति पर नहीं लिखे गए हैं? रहुबियाम और यारोबाम के बीच तो लड़ाई सदा होती रही, और रहुबियाम अपने पुरखाओं के संग सो गया, और दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अबियाह उसके स्थान पर राज्य करने लगा।